हाय एवरीवन, आई एम डॉक्टर भाविन पावारी और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ सुपर बग के बारे में। आप जो यहाँ स्क्रीन पर सब्सक्राइब लिखा हुआ देख रहे हो उस पर क्लिक कर दीजिए ताकि आप मेरा हर एक वीडियो देख सकोगे। सुपर बग को जानने के लिए दो चीज जानना आवश्यक है, पहला बैक्टीरिया और दूसरा एंटीबायोटिक। पहले मैं आपको बता रहा हूँ बैक्टीरिया के बारे में। बैक्टीरिया हर जगह में होता है, जमीन में, पानी में, हमारे शरीर में, और हर एक बैक्टीरिया हमें नुकसान नहीं पहुंचाता है। कुछ बैक्टीरिया ऐसा है जो हमें नुकसान पहुंचाता है, जैसे कोलेरा, ट्यूबरक्यूलोसिस, टाइफोड। उसके बैक्टीरिया हमारे शरीर में रहकर हमें नुकसान पहुंचाता है, तो उसको मारना आवश्यक है। और दूसरा एंटीबायोटिक, जब ऐसे बैक्टीरिया जो हमें नुकसान पहुंचाता है अगर वो हमारे शरीर में दाखिल हो जाए तो उसको मारना जरूरी है, और ऐसी दवाई को एंटीबायोटिक कहा जाता है। अब आते हैं मेन टॉपिक पे कि सुपर बग क्या है। सुपर बग मतलब ऐसे बैक्टीरिया का इन्फेक्शन अगर बॉडी में लग जाए जिस पर कोई दवाई ही इफेक्ट ना करती हो, कोई एंटीबायोटिक ही इफेक्ट ना करती हो, तो उस बैक्टीरिया को सुपर बग कहा जाता है। अभी एक ऐसा किस्सा कुछ ही दिनों पहले हुआ जिसकी स्टोरी इंडिया और यूएसए से जुड़ी हुई है। एक यूएसए की लेडी इंडिया में 2 साल पहले आई थी और यहां उसको थाई का फ्रैक्चर हो गया, तो उसकी ट्रीटमेंट उसने यहां से ली। बाद में वो अमेरिका चली गई और जब उसको कुछ तकलीफ हुई तो उसने अस्पताल में दिखाया, लेकिन फाइनली 13 जनवरी 2017 को उसकी डेथ हो गई। और वहां की लेबोरेटरी और सीडीसी ने एक आर्टिकल पब्लिश किया कि वो लेडी को ऐसा इन्फेक्शन था कि 26 में से 26 एंटीबायोटिक कोई भी कॉम्बिनेशन उस पर इफेक्ट नहीं कर रहा था, यानी कि उसको सुपर बग का इन्फेक्शन था। WHO ने अभी 12 बैक्टीरिया की ऐसी यादी जाहिर की है कि वो सुपर बग है और वो इंडिया में प्रेजेंट है। जैसे यहां आप स्क्रीन पर देख रहे हो, उसने प्रायोरिटी 1, प्रायोरिटी 2 और प्रायोरिटी 3 कहके ऐसे 12 बैक्टीरिया को फाइंड आउट किया है कि वो सुपर बग है। और वो 12 के 12 सुपर बग की डिटेल मैंने डिस्क्रिप्शन में लिख दी है, अगर आप नॉलेज पर्पस से पढ़ना चाहो तो आप पढ़ सकते हो। एंटीबायोटिक का रेजिस्टेंस उसको रिपीटेडली बार बार लेने से होता है। और दूसरा, जब इम्प्रॉपर डोज लें, यानी कि एंटीबायोटिक लेने से सेंसिटिव बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं लेकिन कुछ बैक्टीरिया बाकी रह जाता है, वो मल्टीप्लाई होने लगता है, वो ग्रो होने लगता है, और ऐसी परिस्थिति में वो एंटीबायोटिक से रेजिस्ट हो जाता है। ऐसा उस परिस्थिति में होता है जब डॉक्टर के दिया हुआ कोर्स आप बीच में ही छोड़ दो, तो ऐसी परिस्थिति होने का चांसेस है। इसलिए डॉक्टर के द्वारा दिया हुआ प्रिस्क्रिप्शन कभी आप बीच में ना छोड़िए और आपका प्रिस्क्रिप्शन आप खुद कभी तय ना करें। होप यू वुड लाइक माई वीडियो। इस पर लाइक कर दीजिए, इसको शेयर करिए, और किसी को काम आएगा, इस पर कमेंट करिए। अगर कोई भी टाइप की क्वेरी हो तो आप मुझे, मेरा ईमेल एड्रेस यहाँ मेंशन है, उस पर मेल कर दीजिए, और सब्सक्राइब किए बिना न जाइए। थैंक यू वेरी मच।